तो कैसा है बुड़ू लोग? एकदम मस्त। तो चलो आज मन हुआ कि स्कूल का ब्लॉग बनाते हैं। और मेरी स्कूल है, पहले मैं यहाँ पे पढ़ता था, और कितना चेंजेस हुआ है, कितना चेंजेस नहीं हुआ है, तो आज देखना है। तो मैं भी घर से निकला और जा रहा हूँ गांव में, ठीक है? तो पूरी आपको स्कूल दिखाऊंगा, कैसी थी, कैसी नहीं थी, कैसे हम रहते थे। तो आज स्कूल गया था, बहुत याद आ रही थी, तो चल पड़े स्कूल के अंदर। और ये रास्ता है जो स्कूल से हमारा 2.5 किलोमीटर है, वो थोड़ी दूरी पे है, और स्कूल है वो गांव के अंदर है, प्रॉपर गांव के अंदर है। और गांव का नाम है गुंदव, जो कि सादुर शहर के अंदर है, जालौर जिले से, राजस्थान में। वो तो आपको मालूम ही है, बता नहीं गया है। तो अभी यहाँ से जाते हैं अपने गाँव में। ये रास्ता भी ज़्यादा लंबा नहीं है, 2.5 किलोमीटर है, 2.5 या 2। और यहाँ पे जा रही है सपना और नीलम, शायद छुट्टी हुई, अच्छा छुट्टी हुई है, छुट्टी का टाइम है। और यहाँ पे मगनलाल, ओ मगनलाल कैसे हो? तो चलते हैं आगे। और धूप बहुत है यार, इसलिए कैरेडियन ना पूरी सही नहीं आ रही, धूप ज्यादा है थोड़ी। अभी ये है हमारे गांव का सराया, जिसको मारवाड़ी में बोलते हैं सरेड़ा। और ये आ रहे हैं मंदर, सॉरी महेंद्र, जिसको हम प्यार से बंदर बोलते हैं। अच्छा लड़का है, बहुत ही सीधा साधा है बेचारा। और ये यहाँ पे दुकान है, अभी ये गाँव है, अभी हम गाँव में आ चुके हैं, वो औरतें बैठी है वहाँ पे। ये है बीमा, जो बीमा जाए तेल लेने, अपन चलते आगे। और अभी ये साइड में जो यहाँ पे स्कूल का है वो मैदान है, पूरा बड़ा मैदान। और वो सामने वो छोटी स्कूल है, उसी में मिक्स है लेकिन अलग से की हुई है, वो छोटी स्कूल और बड़ी स्कूल। तो मैं यहीं पे पढ़ा था, फर्स्ट क्लास क्लास से लेके, फर्स्ट से लेके 12th तक यहीं पे पढ़ा था। ये 5 स्कूल है, और आगे है वर्ल्ड 6 क्लासेस शुरू हो रही है। तो मैं 5 साल यहीं पे पढ़ा और फिर गया बड़े स्कूल में। यार छुट्टी हो गई, अभी छुट्टी हुई है, गलत कर दिया यार, छुट्टी का टाइम आ गया। कुत्ता खुजली घर पे जाके कर, खुजली आ रही है बेचारे की। तो ये भी गांव है, अभी गांव का सराया है ये, अभी गांव आ गया है। और अभी गांव के अंदर ही स्कूल है, तो वहां पे स्कूल जाके दिखाते हैं। लेकिन छुट्टी हो गई यार, अभी अंदर जाएंगे तो सब हो गए, तो क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा बाहर। लेकिन मैं अपने काम से आया था, तो सोचा था कि ज्यादा टाइम है, वो ब्लॉग बना दूं, लेकिन स्कूल की याद आ रही थी तो स्कूल में जाके ही बनाऊंगा पूरा। कैसी स्कूल थी, कैसी हुई है, और कितना चेंजेस हुआ है, कितना चेंजेस नहीं हुआ है, सब कुछ। स्कूल के ना बहुत याद आते यार। ये है मेरा गांव, गुंदव गांव। कितना बजे है अभी? शायद बज रहा होगा 4, 4 बजे, 4 बजे छुट्टी होती है, मैं भूल से आ गए रहे हैं। साला भी छुट्टी हुआ है, छुट्टी का टाइम आ गया, मेरे को बाद में आना चाहिए था। और ये गांव की दुकान है, और ये हमारा छोटा सा प्यारा सा गांव है। तो एक काम करते हैं, यहाँ रुक जाते हैं थोड़ा, इन सबको जाने दो, फिर जाते हैं। तो अभी मैं आधे घंटे बाद आया यहाँ पे, सब चले गए और अभी कोई है नहीं, तो अभी सही रहेगा ब्लॉग बनाने का, ठीक है? तो अभी मैं जो मेरा दूसरा काम था वो पटा के आ गया पूरा। अभी चलते हैं वापस स्कूल के अंदर, और आपको दिखाते हैं मेरी कैसी स्कूल है। ये है मेरी स्कूल, बहुत ही बड़ी स्कूल है, छोटी नहीं है यार, बहुत बड़ी और अच्छी भी है। तो यहाँ पे गेट वेट सब कुछ नया डलवा दिया है, और ये अभी ये तो पहले गेट यहाँ पे था, उसके बाद में आगे डलवाया। तो अभी स्कूल के अंदर ही चलते हैं। तो ये मेन गेट, अभी ये गाड़ी लिए हैं जो आगे बैठे हैं, कुछ बना रहे हैं ना, वो बनाते हैं ना गाड़ी लिए, लोहार वो है, अंदर से पानी ला रहे हैं। और ये पहले भी लाते थे और अभी अभी तक ला रहे हैं, कभी कभी आते हैं, सालों में आते हैं, साल में या 6 महीने बाद। तो ये है मेरा स्कूल पूरा, बहुत ही बड़ा स्कूल है, उधर ऑफिस, इधर ये स्टाफ रूम था पहले, और अभी शायद अंदर होगा। तो स्टाफ रूम के अंदर चलते हैं, पहले इसके अंदर स्टाफ रूम था पूरा, स्टाफ सर वो अंदर बैठते थे, अभी पूरा खाली है, कुछ काम चल रहा होगा। और दरवाजे भी लगे हुए नहीं है, पहले दरवाजे लगे हुए थे, अभी सब खाली किए हुए हैं, मतलब काम चल रहा होगा स्कूल में कुछ। कबूतर वबूतर सब अंदर ही है। ये सारे कमरे, हम सबसे आगे वाला कमरा था हमारा 12th का, जो लास्ट कमरा था ना वो सबसे आगे वाला था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरी जगह, कौन सी जगह पे मैं बैठता था। और ये स्कूल इतनी बड़ी है, देखो चलते हैं। ये है मेरा कमरा आया 12th क्लास का, अभी यहाँ पे हमें सर पढ़ाते थे, और मैं उधर बैठता था, उधर नहीं, इधर तो लड़कियाँ थी, इस साइड बैठता था। ये जो ना 5वें नंबर है टेबल, ये सबसे वाला, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 टेबल पे ये तीसरा टेबल, ये यहाँ पे बैठा था मैं, ये मेरी जगह थी यहाँ पे।
क्या मस्त जगह थी और क्या मस्त पढ़ाई होती थी। स्कूल की बहुत याद आती है यार। यहाँ पे सर हमें पढ़ाते थे और बोलते थे कि अभी ध्यान से पढ़ लो, बाद में पछताएंगे कि स्कूल अच्छी थी, स्कूल अच्छी थी, जब काम पे जाऊंगे ना तभी पछताएंगे। और ये 11th क्लास का कमरा था, 11th क्लास हमारे बाजू में थी, 11th क्लास। और यहाँ पे स्टूल विस्टूल की सब कुछ व्यवस्था एकदम अच्छी है बिल्कुल। और पढ़ाई भी एक नंबर होती थी। आगे शीशा लगा हुआ है, शीशे में कैद नहीं होना है वापस, शीशे में कैद नहीं होना है, शीशे में बाद में कैद होंगे, अभी बाहर चलते हैं। और यहाँ पे कट्टे वट्टे पड़े हैं सीमेंट के, शायद काम चल रहा है। और एक बात और, यहाँ पे थोड़ी ना हमारे जाने के बाद थोड़ी सी हरियाली हुई, नहीं तो ये जो है ना झाड़ पौधे इनको तोड़ते रहते थे, तोड़ते रहते थे। ये थोड़े देखो गहरे हुए हैं, हरे रंग के हुए गहरे गहरे। और ये थी जो सबसे पुराने कमरे थे, वो ये कमरे हैं। और ये है ऑफिस, जो हमारे ऑफिस है जो टीचर्स के लिए है। और यहाँ पे पहले ना झाड़ियाँ नहीं थी, तो झाड़ियाँ अभी लगाई है। और ये कमरे जो सभी नए बनाए हुए हैं, और जो सामने दिख रहे हैं वो पुराने थे, वो पुराने कमरे थे, वो सभी पुराने कमरे थे। और ये है प्याऊ, जिसमें बहुत ही ठंडा पानी आता है। और स्कूल देख सकते हो आप, बहुत ही बड़ी स्कूल थी, मस्त और बहुत ही अच्छी थी यार। सर बोलते थे जब जाएंगे ना तभी पछताएंगे, अभी तो तुम ऐसे कर रहे हो, स्कूल आ नहीं रहे हो और आते हो तो भाग जाते हो। हाँ सही बोलते थे सर, एकदम सही था यार। तो अभी यहाँ से देखते हैं, आगे चलते हैं। और ये प्याऊ है, अब यहाँ पे पौधे भी लगे हुए हैं। और वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे बाथरूम भी बनाए हैं, वहाँ पे बाथरूम भी बनाए, पहले ये नहीं था। और टाके हैं, दो दो फुल टाके रहते हैं, व्यवस्था फुल है, पानी की व्यवस्था फुल है। और यहाँ पे ना बहुत बड़ा गड्ढा था, ये जो ऑफिस का जो अभी लगाए हुए ना पीछे झाड़ियाँ, इनसे आगे आगे बहुत ही बड़ा गड्ढा था। अभी मैंने पूरा क्या किया ना, हाँ ट्रॉली आती है ना जो ट्रैक्टर के पीछे, उनको भर भर के इतना गड्ढा है वो डाला है, पूरा भरा है गड्ढा, बहुत ही गहरा गड्ढा था, छोटा वोटा नहीं था। और एक बात और है, ये जो दिख रही है नींबू की, नींबू इसको ना, ये अभी ना बहुत गहरी हुई, ठीक है, पहले नहीं थी। जब रिचे से होती थी ना तब बाहर आके इसके ना पूरे पान है वो खा जाते थे, एक भी पान है ना ऊपर नहीं रखते कसम से। अभी ना बहुत गहरा हुआ है, जब हम चले गए ना तभी बहुत गहरी हो गई है। अच्छा हुआ कि हम चले गए, नहीं तो दो अगर 1 साल और रहते तो इसका ना जड़ जड़ होती ना वो भी निकाल के खा जाते हैं, अच्छी लगती थी। एक ने खाई, पीछे ने दूसरे ने खाई, फिर ना पूरी क्लास 12th पूरी क्लास खाती थी। और वहां से लड़कियां वो चुगली करती थी, सर लड़के खा रहे हैं क्या, इसको बोलते हैं नींबू खा रहे हैं, नींबू के पानी ऐसे खा रहे हैं, और हम पीछे से निकल जाते थे। है ना पुरानी वस्तुएं बहुत याद आती है। और स्कूल भी हमारी बहुत अच्छी थी, सर भी बहुत अच्छे थे, और पूरी अंदर व्यवस्था है वो भी बहुत ही अच्छी थी। कुल मिला के सब कुछ अच्छा था। तो अभी सब कुछ अच्छा था तो याद क्यों नहीं आएगी, आएगी ना जरूर आएगी, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी यार। और स्टाफ रूम में, ये हमारा स्टाफ रूम था, ये ज्यादा मैं ज्यादातर है ना हमें रिचेस में, और जब स्कूल आते थे तब यहाँ पे बैठते थे, अंदर कुछ ना कुछ करते रहते थे। और ये थे सबसे पुराने कमरे, ये पुराने, वहाँ पे अंदर चाय बनाते थे। और उधर थे हमारे रूपी सर, पहले रहते थे, अभी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे चाय का कक्ष है, चल इसके अंदर मैं नहीं जाता बाद में। और ये पूरा स्कूल यहाँ से दिखाता था आपको, पूरा देखो लुक, क्या लुक है, इसे बोलते हैं स्कूल। मैं दूसरों के स्कूल की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं मेरे स्कूल की शोभा कर रहा हूँ, मेरे को अच्छी लगती तो करूंगा ही ना, क्यों नहीं करूंगा। बहुत ही अच्छी स्कूल थी और बहुत ही याद आती है। और अभी गेट भी नया डलवाए हैं, पहले ये गेट नहीं था, पहले दूसरा था। सर सही बोलते थे, अभी तुम ये सब कर रहे हो लेकिन बाद में बहुत पछताएंगे। तो अभी ये सच्ची में सर यार सही बोल रहे थे यार, सही में। और सर भी बहुत अच्छे थे। तो अभी घर पे चलते हैं, और स्कूल अभी घूम तो लिया है पूरा, और देख भी लिया है, और काफी सारी वो यादें भी ताजा हो गई है। तो अभी घर पे जाते हैं, ठीक है, लेट हो रहा है, ज्यादा देर तक रुके तो सर भी बोलेंगे, कैमरे में चेक करेंगे कि क्या कर रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से जाते हैं घर, और यहाँ पे कचौरी की दुकान है, रबड़ी की दुकान है, कभी खाना हो तो आओ, आओ हमारे गांव में, यहाँ पे पंचर की दुकान है, कभी किसी का टायर पंचर हो जाना है तो आ जाओ। अभी 5 बज गए हैं, 1 घंटा हो गया है मेरे को, यहाँ पे 5 वाली बस आ गई है जो कि सांसोर से सीधा आती है यहाँ पे। तो अभी अपन चलते हैं घर, सर जी के पास साइड से लेते हैं, और अभी 5 बज गए हैं, तो घर पे भी तो काम करना पड़ेगा ना, काम भी करना पड़ता है यार दोस्तों। मैं ऐसा नहीं है कि मौज कर रहा होगा,
नहीं, मेरे से काम भी करवाते हैं बहुत सारे, और यहाँ पे हमारा गोगा जी का मंदिर है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।